कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और 20 मिनट वहाँ पे चल के अब फाइनली पहुँच चुके हैं। इसकी कुछ एंट्री 4-5 यूरो है। अभी देखते हैं कि अंदर जाना है कि नहीं, फिर आपको इस जगह एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हैरी सिंह। तो भाई, सबसे पहले होप्स हो कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और अभी मैंने बिल्कुल भाई 1 महीने के बाद कैमरा उठाया ब्लॉगिंग करने के लिए। कैमरा नहीं, मतलब फ़ोन, समझ रहे हो ना। तो बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे और कुछ दिन फिर मैंने जॉब भी करी, तो आज बिल्कुल भाई 1 महीने के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो आज हमारे एक सिटी के पास एक अच्छा सा मॉन्यूमेंट है, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे जा रहा हूँ और दिखाते हैं आपको कि एक कैसा है अच्छा मॉन्यूमेंट। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो एक रिव्यू देते हैं आपको। और तो पहले तो भाई, ये एक नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो और ग्रे कर दो भाई, और दोबारा मत दबा देना, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो भाई, हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, बट यहाँ से अभी 20 मिनट की वॉक है, तो बाय वॉक हमें अभी ऊपर जाना होगा। ये कुछ यहाँ का बस स्टॉप है भाई, शायद नाम दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और ये कुछ एरिया है यहाँ पे स्टार्टिंग का। बस स्टैंड पे कुछ ऐसा स्टैचू सा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ जर्मन में लिखा है। मेरी जर्मन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। और यहाँ पे रास्ते में कुछ चाइनीज़ लोगों का आर्किटेक्चर भी है कुछ यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जर्मनी में चाइनीज लोगों की बिल्डिंग क्या कर रही है यहाँ पे। यहाँ से एक प्रॉपर ट्रैक है भाई, आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा ऐसे ऊपर चढ़ के जाना पहाड़ पे। तो चलो चलते हैं, अभी दिखाते हैं ऊपर का व्यू। तो फाइनली भाई 20 मिनट की डायरेक्ट ऐसे वॉक करके, और ट्रैक नहीं था प्रॉपर, एक मतलब एक ऑफ रोडिंग जैसा कुछ रास्ता था, तो 20 मिनट वहाँ पे चल के अब फाइनली पहुँच चुके हैं। ये आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे है। अभी और ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे। अभी यहाँ से तो अच्छा ही लग रहा है, ऊपर जाके देखते हैं कि है कैसा अभी। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं, ये मॉन्यूमेंट है पीछे। इसकी कुछ एंट्री 4-5 यूरो है। अभी देखते हैं कि अंदर जाना है कि नहीं। और भाई हम वहाँ से आए भाई, नीचे से चल के, बिल्कुल स्टेयर्स ही स्टेयर है वहाँ से। एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आए हैं, बिल्कुल देख सकते हो आप कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं भाई, लगभग 100 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे भी अलग से हैं भाई, हालत ख़राब हो गई है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। अभी 50-60 फोटोज़ खींचने के बाद अभी थोड़ी भूख लगी है, और सामने ही एक कैफ़े है, तो वहाँ जाके अभी कुछ खाते हैं, फिर आपको इस जगह का एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। अच्छा म्यूज़ियम था, हम अंदर गए तो नहीं, बट अगर आप लोग ट्रैक या ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। हमें तो इसलिए मज़ा आया क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैक था और ऊपर से व्यू अच्छा था। हम म्यूज़ियम में अंदर गए तो नहीं, क्योंकि बहुत पुराना म्यूज़ियम है और हमें हिस्ट्री में इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बाकी अगर आपको ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ों में, तो आप अंदर जा सकते हो, और क्योंकि ये World War II से भी पुराना म्यूज़ियम है और थोड़ा बहुत ऐसे World War II के रिलेटेड भी है, तो एक अच्छा म्यूज़ियम, आप लोग जा सकते हो वहाँ पर अंदर, और व्यू भी बहुत अच्छा था। अभी हम बस का वेट करेंगे नीचे जाके, क्योंकि जितना ऊपर गए थे अब उतना ही नीचे भी जाना है। अभी
आगे जाके बस स्टॉप में बस का वेट करते हैं और मिलते हैं वहाँ पे। हम यहाँ पे बस के लिए वेट कर रहे थे बस स्टॉप पे, और ये देखो हमें क्या दिखा भाई, अल्टो यहाँ पे भी है। तो भाई फिर मैं इसके बाद घर पे आ गया था, और थोड़ी रात भी हो गई थी तो मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि सैमसंग के कैमरा में यार एक प्रॉब्लम है, सैमसंग का कैमरा रात में थोड़ा नॉइजी हो जाता है और क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है, तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और जो मेरे साथ फ्रेंड था वो थोड़ा कैमरा शाही था, तो मैंने उसको इतना फोर्स नहीं किया वीडियो में आने के लिए, तो फिर हम घर पे आ गए। और रुको, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, रुको ज़रा सब्र करो। तो भाई मेरे को YouTube को लेके एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, कि भाई स्टार्टिंग में मैंने YouTube एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतने सारे व्यूज़ आने लगेंगे और इंस्टा पे लोगों के DMs भी आते हैं भाई मुझे। अब भाई ये कंफ्यूजन मेरी ये है कि या तो अभी मैं YouTube पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकता हूँ कि आप जर्मनी में कैसे आ सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, और या तो मैं एक डेली लाइफ व्लॉग्स बना सकता हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या होता है जर्मनी में, तो या तो मैं इन दोनों का 50-50 बना सकता हूँ, मतलब कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कुछ डेली लाइफ के रिलेटेड अपनी। तो भाई ये मेरी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो इन द फ्यूचर, और मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। और तो चलो चलते हैं।